सोशल नेटवर्किंग मोबाइल ऐप का इस्तेमाल आजकल के समय में अच्छा उपयोग तो कम लेकिन उसका दुरुपयोग ज़्यादा हो रहा है, जिसके चलते हमें जाने न अनजाने उसकी कीमत चुकानी होती है। एक ऐसा ही मामला जिले में सामने आया जहां पर एक मोबाइल ऐप के सहारे टीनेजर से दोस्ती कर समलैंगिक संबंध बनाने एवं उसकी माँ व बहनों के संबंध में अश्लील जानकारी फैलाकर परेशान करने वाले एक युवक को कोडरेट पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी इतना शातिर था कि पकड़े जाने से पहले दो दिन तक पुलिस टीम को लगातार गुमराह करता रहा। जानकारी देते हुए कोडरेट टीम ने बताया कि कोडरेट टीम को एक युवक ने शिकायत की थी कि उससे एक ऐप के जरिए दोस्ती करने के बाद एक शातिर युवक समलैंगिक संबंध बनाना चाहता है। जब उसने ऐसा करने से इनकार किया तो शातिर युवक ने उसकी बहन की फोटो से छेड़छाड़ करते हुए अश्लील बनाकर ऐप में डाल दी और उसकी माँ के संबंध में अपशब्द लिखकर मोबाइल नंबर भी डाल दिया, जिससे अनजान लोगों के कॉल लगातार आने लगे और उसका पूरा घर परेशान हो गया। शिकायत की जाँच करते हुए साइबर टीम की मदद से टीम ने गोपाल रैकवार नाम के युवक को गिरफ्तार किया है और उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। वहीं पुलिस ने बताया कि पूछताछ में और भी कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। जी हाँ, एक शिकायत आई थी कोडेड ऑफिस में। एक लड़की ने शिकायत किया था कि उसके नंबर पे अननोन नंबर से बार बार फ़ोन आ रहे हैं और उसको फिजिकल रिलेशन एस्टेब्लिश करने के लिए फोर्स किया जा रहा है, जबकि लड़की ने कहीं खुद अपना नंबर शेयर नहीं किया था। जब मामले की तफ्तीश की गई, शिकायत की जांच की गई तो पता चला कि लड़की का भाई ब्लूएड ऐप और ग्रिंडर ऐप यूज़ करता है और उस लड़की के भाई को एक दूसरा व्यक्ति फिजिकल रिलेशन बनाने के लिए फोर्स कर रहा था। क्योंकि उस लड़की के भाई के साथ में जो मेन आरोपी है उसने फिजिकल रिलेशन इस्टेब्लिश कर चुका था, वो बार बार उसको फिजिकल रिलेशन के लिए बाध्य कर रहा था और लड़का जब मना किया तो उस आरोपी ने लड़के की बहन की फ़ोटो वायरल कर दिया सोशल मीडिया पे उस ब्लूएड ऐप पे और बोल रहा था कि यदि आप मुझसे संबंध नहीं बनाएंगे तो आपकी बहन का फ़ोटो वायरल कर देंगे, और फेक आईडी के जरिए वो ऐसा कर भी रहा था। तो मामले की जांच पे हमने मेन आरोपी को पकड़ लिया है। उसका काम ही यही है कि वो ब्लूएड ऐप और ग्रिंडर ऐप के जरिए लोगों से चैट करता है, वीडियो कॉल करके रिलेशन इस्टेब्लिश करता है और फिर उसके बाद में बाहर कहीं मिलके वो फिजिकल रिलेशन बनाता है। मैम कहाँ का है ये आरोपी रहने वाला? ये घंटाघर के पीछे उड़िया मोहल्ला। चूँकि ऐसे बहुत सारे ऐप अवेलेबल है सोशल मीडिया में और पोर्न वीडियोस है, जिससे क्या है कि जब बच्चे ये फेसबुक चलाते हैं वहाँ पर इनको लिंक आती है और उस आउट ऑफ क्यूरियसिटी दे क्लिक दिस लिंक, वो उस लिंक को क्लिक कर देते हैं और उसके बाद में ऐप डाउनलोड हो जाते हैं। तो वो जिज्ञासा बस इन लोगों ने डाउनलोड किया